नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स की सीरीज़, जिसमें हम कवर कर चुके हैं अब तक कि हम लोगों ने एक कॉमर्स सेटअप कर लिया है, थीम बना ली अपनी, सब थीम बना ली। ठीक है, सब थीम में हम जब जाके देखेंगे तो अपीयरेंस में, तो ये हमारा, हमने जो सब थीम बनाई थी माई कॉमर्स, तो इसका आप ये आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब थीम में आपको जाना पड़ेगा और ये जो स्क्रीनशॉट का जो PNG फाइल है इसको आपको रिप्लेस करना है, और अगर आपको लोगो चेंज करना है तो इसको आपको रिप्लेस करना है, आपको फेविकॉन चेंज करना है तो इसको आप रिप्लेस करना है। अब दोस्तों, ये हमारी एक अपनी खुद की बनाई हुई कस्टम थीम बन गई, मतलब एक सब थीम बन गई। ठीक है, कस्टम थीम नहीं बोल सकते, सब थीम बोल देंगे। तो सब थीम में आप खुद के मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ से आप रिप्लेस करके अपने लोगो, अपना स्क्रीनशॉट, अपनी वेबसाइट का जब बिल्ड कर लेंगे तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, इस वीडियो में हम लोग अब कवर करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में कैसे प्रोडक्ट को सेटअप करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टोर में जाना पड़ेगा। स्टोर के अंदर आपको दिखाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखेगा प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइप क्या है, इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं चलता हूँ कि अगर आपके वेबसाइट में केवल एक सिंगल प्रोडक्ट है, जैसे कि आप शर्ट का, अगर आप सेलिंग वेबसाइट है, आप केवल शर्ट बेचते हैं, तो आप एक सिंगल शर्ट है, तो आप, तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट टाइप केवल आपका सिंगल रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि आपके पास शर्ट्स भी हैं और शूज़ भी हैं, आपके पास मोबाइल्स भी हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को का वेरिएशन, इतने सारे प्रोडक्ट की वेरिएशन, तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट टाइप। तो आपके तीन टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपका क्या बनेगा, एक मोबाइल बनेगा, एक आपका शूज़ बनेगा, एक आपका शर्ट्स बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट टाइप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ऊपर मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपका सिंगल वेबसाइट है तो आप केवल इसी को यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट टाइप में जाके, यहाँ पर मैनेज फील्ड में, यहाँ पर आप जितनी फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ हम कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमें अगर शूज़ सेल करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टाइप में जाना पड़ेगा, ऐड अ प्रोडक्ट टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट टाइप ऐड करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि हमारे पास एक मैन और वुमेन का शूज़ है। ठीक है, ठीक है, और उसमें हमारे पास इमेजेस हैं, और जाहिर सी है कि हमारे पास अगर शूज़ है तो उसका इमेज तो होगा ही, क्योंकि वही देख के यूज़र हमारे, क्लाइंट हमारे परचेज़ करेंगे। ठीक है, साइज़ भी होगा, ब्रांड भी होगा और कलर भी होगा, तो ये एक कॉमन फील्ड्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में होनी है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपना प्रोडक्ट सेटअप कर लेते हैं, प्रोडक्ट टाइप सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट टाइप के अंदर जाके हमको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट टाइप का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नाम भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमको डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट टाइप किस पर्पस से है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सेव इन फील्ड, ऐड फील्ड पे क्लिक कर देंगे, उसके आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी, SKU, जो कि हर प्रोडक्ट की एक यूनिक की होती है। ठीक है, टाइटल, प्राइस और स्टेटस। ठीक है, स्टेटस आपका इसलिए यूज़ होता है कि अभी आपके वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट है या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर आप स्टेटस नो कर देंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपकी वेबसाइट में, अगर आप स्टेटस यस कर देंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिश ही रहता है, यानी कि यस रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फील्ड ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फील्ड ऐड करनी है, इमेज, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा इमेज, हमारा एक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो हम इमेज की फील्ड लेके चलेंगे दोस्तों, इसलिए क्योंकि हम यहाँ नई फील्ड भी बना सकते हैं इमेज की, लेकिन हम इमेज की फील्ड इसलिए लेके चलेंगे ताकि हमारे डेटाबेस में साइज़ ना बढ़े। इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने एग्जिस्टिंग फील्ड्स का यूज़ नहीं किया, बार बार इमेज हर प्रोडक्ट टाइप में या हर कंटेंट टाइप में अपनी नई इमेज की फील्ड ऐड करते गए, मतलब वो एग्जिस्ट है भी, तो आप का जो डेटाबेस का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते चलेंगे, सेव करते हैं।
तो यहाँ पर आप लेबल रखना चाहते हैं, शूज़, इमेज या कुछ भी इस तरीके का रख सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हेल्प टेक्स्ट दे सकते हैं और उसके बाद जो हम करेंगे कि अपनी डायरेक्टरी में एक और नई डायरेक्टरी बना लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितने भी अब फाइल्स के अंदर जो हमारी शूज़ की एक डायरेक्टरी बनेगी उसके अंदर जितने भी हम इमेजेस अपलोड करेंगे वो उसके अंदर ही जाएगा, ठीक है। हम अभी के लिए इसको ये नहीं यूज़ करते हैं लेकिन एसईओ पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप यूज़ अपने मतलब लाइव साइट पे अपने यूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेव कर देते हैं। तो ये हमारा इमेज ऐड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या है, हमारा साइज़ है, ब्रांड है और कलर है। दोस्तों साइज़, ब्रांड, कलर ये तीन फील्ड हमको ऐड करनी है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ के अंदर हमारा नंबर ऑफ साइज़ हैं कि शूज़ का साइज़ क्या है, 8 या 10 या 9 या 11 12 कितने नंबर का शूज़ है, ठीक है। ब्रांड किस ब्रांड का है, ठीक है, ये किस ब्रांड का है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैंने ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि एडिडास है, ये सब जितने भी मैंने ऐसे कॉमन ब्रांड्स ले लिए हैं और उनका कलर ले लिया, ठीक है, और उनका साइज़ ले लिया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, आपको टैक्सोनॉमी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। टैक्सोनॉमी करेंगे हम ऐड टैक्सोनॉमी, और एक एक करके हम टैक्सोनॉमी ऐड कर देंगे। सबसे पहले साइज़ ऐड कर देते हैं, फिर इसके बाद हमें इसका साइज़ ऐड करना पड़ेगा, फिर हम इसका ब्रांड ऐड कर देते हैं, ठीक है। ब्रांड ऐड कर दिया हमने, फिर इसके बाद कलर ऐड कर देते हैं, ये हमने कलर ऐड कर दिया, हमारी हो गई, हमने टैक्सोनॉमी ऐड कर दी। अब इनमें क्या करना है, हमने अब इनके अंदर हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमें ऐड टर्म करने हैं, ठीक है। तो जैसे ऐड टर्म पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद और हमें यहाँ पर फिर अभी वन बाय वन हमें भरना है कि ब्लैक भरना है, ब्लू भरना है, तो ग्रे भरना है, ठीक है, रेड भरना, वाइट, ये सब ये हमें मतलब एक एक करके भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल आता है टैक्सोनॉमी मैनेजर, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको यूज़ करने का क्या है, उससे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको मतलब जो अच्छा दोस्तों ये जो ये हमारा कुछ इसी टाइप का हमारा है जो कि हम बनाएंगे वेबसाइट में अपनी, इस तरीके से लिस्टिंग कराएंगे, ठीक है, कि हमारा शूज़ आएगा, उसका प्राइस आएगा और नेम आएगा, ब्रांड आएगा, उसके बाद ऐड टू कार्ट का बटन आएगा, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं टैक्सोनॉमी मैनेजर की कैसे वर्क करता है ड्रूपल में। तो इसको क्या करना है, हमको टैक्सोनॉमी मैनेजर में हमको बल्क इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ड्रस के थ्रू डाउनलोड कर देते हैं, जिनको मैनुअल करना है वो डाउनलोड करके जिप एक्सट्रैक्ट करके अपने मॉड्यूल के फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे डाउनलोड हो गया, इनेबल भी यहाँ से कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी मैनेजर अगर हम यहाँ से जाकर देखेंगे तो ये हमारा टैक्सोनॉमी मैनेजर आ गया। हम इसको सेव करेंगे तो हमारा एक और स्ट्रक्चर के अंदर टैक्सोनॉमी के नीचे एक और लिंक आ जाएगा टैक्सोनॉमी मैनेजर करके, वहाँ पर हम अपना बल्क में इम्पोर्ट कर सकते हैं कि आपके पास अगर पहले से लिस्ट पड़ी हुई है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैश का इशू है, हम कैश क्लियर करते हैं, लिंक बना नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आ गया टैक्सोनॉमी मैनेजर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको नया कोई वोकैबुलरी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कलर, साइज़ और ब्रांड ऐड किया था। अब हमें क्या करना है, ब्रांड में इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्रांड पर जितने भी आपके ब्रांड हैं उनको कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पेस्ट करना है और ऐड करना है। अब जब आप जाके देखोगे अपने स्ट्रक्चर में टैक्सोनॉमी मैनेजर में ब्रांड के अंदर जाके अपने लिस्ट देखोगे तो ये देखिए सारी लिस्ट ऑटोमेटिक ऐड हो गई। तो ये है एक टैक्सोनॉमी मैनेजर का फीचर, जहाँ आप बल्क में
इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टैक्सोनॉमी के टर्म। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कलर। ठीक है, कलर हम कलर ले चलेंगे, ऐड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, साइज। ठीक है, साइज ले लेते हैं। दोस्तों वन बाय वन ऐड करने से अच्छा है कि हम एक बार में बल्क में सीधा हमारा ऐड हो जा रहा है, तो हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी जाते हैं और साइज में क्लिक करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक, तो अब हम जाके देखेंगे टैक्सोनॉमी में, तो हमारा ये सब ऐड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट टाइप में जल्दी से, और इसमें मैनेज फील्ड में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब अपना साइज़, जो हमारा कौन सा फील्ड था हमारा, ये साइज़ फील्ड था, हम लोग साइज़ फील्ड ऐड करेंगे यहाँ पर। और जो टर्म लेंगे वो टर्म रेफरेंस लेंगे, और टर्म रेफरेंस में हम लोग फ़िलहाल के लिए सेलेक्ट लिस्ट ले लेते हैं, और इसको हम लोग सेव करते हैं। और हम लोग ब्रांड यहाँ हमने साइज़ लिया था यहाँ पर, बराबर हमें साइज़ ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें सेव कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांड करते हैं। ठीक है, ब्रांड कर लिया हमने, टैक्सोनॉमी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट लिस्ट सेलेक्ट किया, सेव किया। ब्रांड में हमें ब्रांड ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेव। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कलर, इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमें अब कलर करना है, कलर कर लेते हैं। टर्म रेफरेंस सेलेक्ट लिस्ट कलर, कलर सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, सेव। तो दोस्तों जितना भी हमें अपनी एक शूज़ से रिलेटेड करना था वो हमने अपनी फील्ड बना ली है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क हमारा क्या रहेगा, अब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट टाइप होंगे वो आपके लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोडक्ट का टाइप था एक, अब हमें नया बनाया है मैंस एंड शूज़। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।